एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा और ये ज़रूर से बोलूंगा कि पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो बनाया है और उस वीडियो को आप जाके पहले ज़रूर देख लेना। तो ये एक्सरसाइज में जो कुछ भी हमको पढ़ना है वो सारे चीज़ आपको वहाँ पर कवर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक्सरसाइज 6.1 का लिंक होगा, उस लिंक में जाके जो पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब ये जो नंबर्स आपको दिया हुआ है इन नंबर्स को अगर इसका स्क्वायर निकाला जाए, 81 दिया है तो 81 का स्क्वायर मतलब 81 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 81 इंटू 81, ठीक। अब 81 इंटू 81 अगर आप करोगे तो 1 1 ज़ा 1 1 8 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64, ये आ गया 1, ये आ गया 8 8 16, ये 5 और 6, ठीक। तो 81 का जो स्क्वायर है 6561 आया। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है इन सारे नंबर्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा। यूनिट प्लेस क्या होता है ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। यूनिट प्लेस का मतलब वंस के प्लेस में जो भी नंबर है, ठीक है, वो यूनिट प्लेस है, वंस के प्लेस को यूनिट प्लेस बोला जाता है। अब 81 के केस में देखते हैं, 81 का हमने स्क्वायर निकाला 81 इंटू 81, आंसर आया 6561। तो यहां पर यूनिट के प्लेस में यानी कि वंस के प्लेस में आया है 1, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक। अब आप देखो इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, ये तो 81 था तो 81 इंटू 81 करके मैं निकाल लिया आंसर, लेकिन अभी आप यहां देखो ये बड़े बड़े नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, इसको आप कितने देर तक मल्टीप्लाई करते रहोगे। ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको कितना मल्टीप्लाई करोगे, 52,698 इसको कितना बार आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। इनका स्क्वायर निकालना मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसका एक आसान तरीका है, शॉर्टकट है, कैसे करना है आपको फोकस करना है इस नंबर के यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो देखो यहां पर 81 में 1 जो है यूनिट प्लेस था, आपको केवल इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट डिजिट होगा वो आपको लिख देना है। जैसे कि 81 में यूनिट प्लेस में है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। ये रफ है, आप रफ कैलकुलेशन करने के लिए एक डिवाइस आता है वो डिवाइस आप ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो 272 में यूनिट प्लेस में है 2, तो आपको पूरा 272 इंटू 272 करने की जरूरत नहीं है, आप कर दो यहां पर 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 4। तो जब कभी भी आप 272 को 272 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको 4 नंबर मिलेगा, जो उसका आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट होगा 4, और यही इसका आंसर है, ठीक। ऐसे ही 799 में लास्ट डिजिट है 9, अब अगर 9 का स्क्वायर निकाला जाए तो 9 9 ज़ार होता है 81। अब यहां पर आपको इसका लास्ट डिजिट लेना है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट है 1, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक। आपको यूनिट प्लेस लिखना है, यहां पर देखो 3853 लिखा हुआ है, तो इसको 3853 को उसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट जो भी है आप उसका स्क्वायर निकाल लो वही उसका आंसर है, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 9। तो जब कभी भी आप इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसके आंसर में लास्ट में 9 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो लास्ट में इसका 4 है यूनिट प्लेस में, तो 4 4 ज़ा होता है 16। अब 16 में देखो यूनिट प्लेस में 6 है, यूनिट प्लेस का मतलब जो नंबर वंस के प्लेस में है, ये वंस है ये टेंस है, तो वंस के प्लेस को ही यूनिट प्लेस बोला जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6। अब यहां देखो 26,387, इतने बड़े नंबर का अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो कैलकुलेटर भी थक जाएगा, ठीक है, तो आपको पूरा नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर यूनिट प्लेस में देखो जो 7 है, ठीक है, वंस के प्लेस में 7 है, ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वंस के प्लेस में है 7, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर वो होता है 7 इंटू 7, आंसर आएगा 49। तो 49 में जो यूनिट के प्लेस में है वो इसका आंसर होगा, 49 के यूनिट प्लेस में 9, तो ये आ गया 9, ठीक है। बार बार बता रहा हूं यूनिट प्लेस का मतलब
वंस का प्लेस होता है, ठीक है। यहां देखो वंस के प्लेस में 8 है, ठीक है, टेंस के प्लेस में 9 है, हंड्रेड्स के प्लेस में 6 है, थाउजेंड्स के प्लेस में 2 है, 10,000 के प्लेस में 5 है, तभी हम लोग इसको पढ़ते हैं 52,698। तो हमको किस चीज का काम है, सिर्फ वंस के प्लेस का काम है। वंस के प्लेस को यूनिट प्लेस भी बोला जाता है। 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 64 होता है, 8 × 8 करेंगे तो 64 आएगा। अब इस 64 में जो भी वंस के प्लेस में है या फिर यूनिट के प्लेस में, वो इसका आंसर है, तो 4 आया, इसका आंसर आएगा 4। 99,880 इसके यूनिट प्लेस में है 0, तो आप 0 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो 00 आएगा, ठीक है। 0 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 00 आता है, लास्ट में यहां पर भी 0 है तो ये हो गया 0। यहां पर 12,796 इसके लास्ट वाला नंबर है 6, तो 6 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 × 6 हो गया 36, तो 36 में अब आप देखो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 6 है, तो इसका आंसर हो गया 6। यहां पर है 55,555, इसके लास्ट में है 5, 5 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 5 × 5 होता है 25। अब 25 के लास्ट में या बोल सकते हो 25 में वंस के प्लेस में 5 है या यूनिट प्लेस में 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े नंबर को बिना स्क्वायर किए आप ये बता सकते हो कि उसके आंसर में लास्ट डिजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।